दीपों के पर्व दीपावली के अवसर पर आपका स्वागत है, आपको शुभकामना है। आप अच्छे स्वास्थ्य के साथ, धन संपत्ति के साथ, सुख संपदा के साथ आगे बढ़ें। मित्रों, दीपावली का पर्व हमारी सभ्यता और संस्कृति में काफ़ी पुराने समय से है। प्राचीन काल में ही संध्या दीप की प्रार्थना की जाती रही है। जब कोई गृहिणी, कोई पुरुष, कोई सन्यासी, कोई विद्यार्थी, कोई साधक सायंकाल में दीप जलाता है तो वह प्रार्थना करता है कि हे दीपक, रात भर जलते रहना, मेरे लिए ऐश्वर्य शुभकामना देना, मेरे पापों को हर लेना और मेरे जीवन में ज्योति जगाना। यही एक पर्व का स्वरूप ले लिया है भारत में। हम लोग उत्सव प्रेमी हैं। दीपावली के दिन दीपों की माला सजाई जाती है। कहानियाँ तो यह है कि जब राम रावण का वध करके अयोध्या लौटे तो उस खुशी में लोगों ने पहली बार दीपावली मनाई थी। लेकिन यह परंपरा घर घर हर समाज में भारत में व्याप्त हो गई है और यह एक अच्छा संदेश देती है। आप एक अमर प्रार्थना सुने होंगे जो मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे उत्कृष्ट प्रार्थना है। उसमें हमारे उपनिषदकार बोलते हैं कि असतो मा सद्गमय। हे प्रभु, मैं असत्य से घिरा हुआ हूँ, मुझे सत्य की ओर ले चलो। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मैं अंधकार से घिरा हुआ हूँ, मुझे प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्योर्मा अमृतम गमय। मैं मृत्यु से हार रहा हूँ, मुझे अमरत्व प्रदान करो। दिए प्रकाश से जुड़ना, अंधकार से दूर होना, सत्य से जुड़ना और अमरता की ओर बढ़ना, यही मनुष्य की अमर प्रार्थना है। इसमें भी आप देखेंगे कि ज्योति का, प्रकाश का वर्णन है। लेकिन प्रकाश को हम सीमित संदर्भ में नहीं देखें। प्रकाश अच्छाई का प्रतीक है, प्रकाश विवेक और ज्ञान का प्रतीक है। वहीं अंधकार नासमझी का, दरिद्रता का, अज्ञानता का, बीमारी का, जितने तरह के बंधन है वह अपने आप में अंधकार है और इन बंधनों से मुक्ति ही प्रकाश है। तो प्रकाश की पूजा, प्रकाश की आराधना हमारी संस्कृति का हिस्सा है और इसे ही पर्व के रूप में हम दीपावली के अवसर पर मनाते हैं। दीपावली का उत्सव कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि को होता है। सायंकाल में लोग दीपों के माला सजाते हैं, घरों में, दुकानों में, सब जगह एक से एक सजावट के चीज़ किए जाते हैं, बंदरवार लगाए जाते हैं, लाइटिंग की जाती है, प्रार्थना की जाती है, भजन किए जाते हैं, पूजा और अर्चना होती है। काल क्रम में इस खुशी को लोगों ने पटाखों से मनाना शुरू किया। पटाखे ज़्यादातर नुकसानदेह होते हैं, वो ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं, वे वायु प्रदूषण फैलाते हैं और जहरीली गैस उनसे पैदा होती है। अब जानते हैं कि हमारी राजधानी दिल्ली में इस बार पटाखों का बेचना, खरीदना और जलाना मना है, क्योंकि इस तरह का प्रदूषण हो गया है कि हमारे लिए अत्यंत हानिकारक हैं। इसलिए हम पटाखों से बचें और यदि कहीं कुछ जलाए भी जाते हैं तो वहाँ पानी रखें, अपने अभिभावकों के पास रहें ताकि यदि कोई घटना होती है तो तुरंत उसका उपचार किया जा सके। तो दीप के साथ प्रेम करना मतलब ज्ञान के साथ प्रेम करना, मतलब प्रकाश से जुड़ना, ये बहुत बड़ा ही उत्तम पर्व है। इसे हमें हृदय से मनाना चाहिए। चलते चलते मैं एक छोटी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार सूरज डूबने को था, जो पूरी दुनिया को प्रकाश देता है। जब सूरज डूबने का हुआ तो हुआ कि उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इतने बड़े सूरज का उत्तराधिकारी तो समुद्र को बनना चाहिए। समुद्र ने कहा कि नहीं, मैं सूरज का उत्तराधिकारी नहीं बनूंगा। फिर हिमालय पहाड़, उसने भी कहा मैं सूरज का उत्तराधिकारी नहीं बनूंगा। तब एक छोटा सा दिया तैयार हुआ और बोला कि मैं रात भर जग करके, रात भर जल करके सूरज के अस्तित्व को बचाए रखूँगा और अपनी ताकत भर प्रकाश फैलाता रहूँगा। ये बहुत बड़ा संदेश देता है। यह नहीं सोचना चाहिए कि यह बड़ा काम है तो महापुरुष ही करेंगे। अभी मैंने आपको दीप की कहानी सुनाई,
दीप खुद जल करके दूसरों को प्रकाश देता है। यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हम अपने जीवन में भी प्रकाश लाएं, आसपास प्रकाश फैलाएं, तभी वास्तव में दीपावली हमारे जीवन में घटित होगी, हमारे परिवार में घटित होगी, हमारे समाज में घटित होगी। दीपावली के पर्व की मैं शुभकामना देता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि आप जीवन में सुख शांति लाएं, वैभव लाएं, ज्योति लाएं, प्रकाश लाएं। बहुत बहुत शुभकामना, दीपावली मंगलमय हो। अंकुरुत्वं कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं संध्यादीपं नमोस्तुते। रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् यस्य तिष्ठेति हृदये दीपं तस्य नास्ति दरिद्रता। शुभं कुरु त्वं कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते।